हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 8, क्लास 12th मैट्रिसेस। तो इस वाली लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि है इनवर्स कैलकुलेट करना। किसी भी मैट्रिक्स का हमने पढ़ा था अभी पीछे लास्ट लेक्चर में कि इनवर्स होता क्या है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इसमें वो सीखेंगे। तो इसमें आपको प्रिंसिपल सिखाऊंगा किस तरीके से एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। उसके लिए एक बार पहले बेसिक चीज़ देख लेते हैं। आपको याद होगा रो ऑपरेशंस मैंने सिखाए थे, किन्हीं भी दो रोज़ पे ऑपरेशंस लगाना सीखे थे कि आप रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हो, किसी भी दो कॉलम्स को ऐड कर आपस में इंटरचेंज करा सकते हो, सेम ऑपरेशंस कॉलम पे लगा सकते हो, सेम रोज़ पे लगा सकते हो। तीन ऑपरेशन रो के लिए पढ़े थे, वही सेम तीन ऑपरेशन हमने कॉलम के लिए पढ़े थे। तो उसको यूज़ करते हुए आप यहाँ पर इन्वर्स निकालेंगे अपन। तो इसके अंदर वो बोलता है, पहले स्टार्टिंग में मैंने एक बेसिक जनरल फॉर्म में लिखा है, अगर x, a और b कोई तीन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जो कि सेम ऑर्डर की हैं तो सच दैट x इज़ इक्वल टू ab, ठीक है। a इंटू बी मान लो x आता है, तो इसके अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल है सबसे पहले उसको यूज़ करते हुए इन्वर्स निकालेंगे। तो प्रिंसिपल क्या है कि अगर मुझे उन पे रो ऑपरेशन लगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको प्लीज़ ये प्रिंसिपल याद रखना है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल होता क्यों है उस पर एक मिनट में बाद में बात करेंगे कि अगर मुझे रो ऑपरेशन लगाना है तो आप ध्यान रखेंगे जब इस इक्वेशन में रो ऑपरेशन लगाऊंगा तो मैं LHS में x के ऊपर लगाता हुआ चलूंगा, और जो ऑपरेशन आप x पे लगाएंगे वही सेम ऑपरेशन आप RHS के अंदर सिर्फ a पे लगाएंगे, b पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ किस पे लगाएंगे, a के ऊपर लगाएंगे। ऐसा क्यों है ये प्रिंसिपल, ऐसा क्यों है, वो इसलिए है कि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है, कुछ ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों साइड पे ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ठीक है। कभी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप चेंज कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो वापस क्या मिलनी चाहिए, जो LHS में आ रहा है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जब भी आप रो ऑपरेशन लगाओगे तो हमेशा LHS में लगाओगे और RHS में पहले वाले के ऊपर लगाओगे, दूसरे को आप बिल्कुल सेम रखेंगे। प्लीज़ इस प्रिंसिपल को सीधा सीधा अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी रो ऑपरेशन लगाओगे तो आप LHS में लगाओगे और RHS में पहले वाले पे लगाओगे, दूसरे वाले में नहीं लगाओगे, उसको सेम चलाओगे। सिमिलरली अगर आप कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो, कोई भी कॉलम्स में लगा रहे हो, तो आप एक गिवन उस इक्वेशन के अंदर जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर LHS में लगाओगे और RHS में सेकेंड वाले पे लगाओगे, फर्स्ट वाले को आप सेम रखोगे, ठीक है। तो पहले तो ये बात हो गई प्रिंसिपल की कि अब इस प्रिंसिपल को यूज़ कैसे करना है। अभी प्रिंसिपल क्या है, क्यों करा हमने, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है वो हम देखते हैं कि अगर मान लो मुझे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, जो मेन मेरा लेक्चर का टॉपिक है, तो मेरे को पता है मैं a इज इक्वल टू आई ए लिख सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है। पीछे हमने लास्ट में ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि आई इंटू ए, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया जाए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो वही गिवन मैट्रिक्स वापस आ जाती है, ठीक है। तो अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस पे लगाऊंगा LHS के अंदर और RHS में मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल क्या है, पहली वाली पे लगाओगे आप, ठीक है। तो मैं रो ऑपरेशन लगा क्यों रहा हूँ, ठीक है, वो क्यों सिखाया मैंने आपको। मान लो मैंने इस पे ऑपरेशन लगाना शुरू करा इस इक्वेशन के अंदर, मेरे को ऑपरेशन किस वे में लगाना है, क्यों लगाना है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आपने कुछ ऐसे ऑपरेशन बारी बारी लगाते हुए चलना है कि आपके पास ये जो ए मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स थी, आपको उसको आई में बदलना है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है, ठीक है। फिर से समझो, आपको स्टेप्स ऑफ ऑपरेटर ऑपरेशंस ऐसे लगाने हैं, रो ऑपरेशंस ऐसे लगाने हैं, ठीक है। अगर कॉलम लगा रहे हो तो उसमें अलग बातचीत चलेगी, अगर रो लगा रहे हो तो आपको कुछ ऐसे ऑपरेटर ऐसे रो ऑपरेशंस लगाने हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ लगाओगे तो मैंने आपको बताया इसमें भी लगाना पड़ेगा, तो ये भी मान लो चेंज होके एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई, कोई भी एक मैट्रिक्स आ गई, मैं उसको अभी बी से लेट कर लेता हूँ, ठीक है। इस पे चेंज करो तो इस पे भी चेंज होगा। अब ये जो चेंज होके बनेगा मुझे नहीं पता क्या बनेगा, तो मैंने उसको बस अभी लेट कर लिया कि वो लेट क्या है, एक बी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। और मैंने बताया था जो दूसरे वाला होता है ये बिल्कुल सेम आपके पास यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू बी इनटू ए लिख सकता हूँ। अब क्या है, प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं दोनों साइड पे पोस्ट मल्टीप्लाई करा दूं, पोस्ट का मतलब लास्ट में मल्टीप्लाई करा दूं, अगर मैं किससे, ए इनवर्स से, किससे मल्टीप्लाई करा दूं, ए इनवर्स से,
तो यहाँ पे आ गया आपके पास आई इंटू ए इनवर्स, और यहाँ पे आ गया बी इंटू ए, तो चल ही रहा था, और ए इनवर्स और आ गया। अब आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो खुद आ जाता है, ए मैट्रिक्स खुद ही आ जाएगी, ठीक है। ए इनवर्स से कराया था तो ए इनवर्स खुद आ जाएगा, और ए इंटू ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर्टी सिखाई थी क्या बन जाता है, आई बन जाता है। तो दैट मीन्स बी इंटू आई हो जाएगा, और बी इंटू आई मतलब वापस क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स आ जाएगी। दैट मीन्स जो गिवन मैट्रिक्स ए थी, ए इनवर्स क्या आ गई, बी आ गई, ठीक है। और बी क्या थी, जो मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आरएचएस में जिसमें आई चेंज हो जाएगी वो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दो बार आपको समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ठीक है, और एग्जाम्पल से मोस्टली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से ये वाला रो वाला समझा रहा हूँ, सेम कॉलम पे चलता है, ठीक है, बट कॉलम में प्रिंसिपल आपका जो है वो ये वाला लगेगा, ठीक है। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल लूँगा और आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने रो ऑपरेशन लगाने हैं और किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है, प्लीज़ ये वाला फिर से पार्ट सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, और आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशंस को चुनो या तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस को चुनो। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन को चुन रहे हो तो आपको पहली स्टेप जो लिखना है वो लिखना है ए इज इक्वल टू आई ए, ये प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी है, होल्ड करती है, तो आप इसको लिख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर। अब आपने कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है, कि इस एलएचएस में जो गिवन मैट्रिक्स थी उसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ऑब्वियसली ऑर्डर सेम रहेगा, अगर ये 2x2 का था तो ये भी 2x2 का बनाना है, ये 3x3 का था तो ये भी 3x3 का बनाना है। और जब रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो प्रिंसिपल ये कहता है कि आरएचएस के अंदर सिर्फ पहले वाले पे लगेगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल था आपके पास। तो यहाँ पे जो सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगा रहे हो वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगेंगी, ठीक है। तो ये आई एक मैट्रिक्स में बदल जाएगा, वो किस में बदलेगा हमें नहीं पता अभी, ऑब्वियसली क्वेश्चन बताएगा किस में बदल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। तो जो गिवन मैट्रिक्स आएगी मैंने उसको, मान लो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी मैंने उसको बी से लेट कर लिया, ठीक है, और ये वाला मैंने बताया था सेम चलेगा, तो ये बिल्कुल सेम चलता हुआ हर स्टेप में वापस में लास्ट में ए ही आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फिर जो आपके पास जैसे यहाँ पे आई कन्वर्ट हो गया, जो गिवन मैट्रिक्स थी वो आई में कन्वर्ट हो गई, तो जो भी आपके आरएचएस में रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी चेंज होने के बाद जिसमें आई बदल जाएगा, असली में जो आंसर है वही इनवर्स होगी, ठीक है। दिखाने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि आपको इससे ध्यान रखना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो अगर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे तो मैंने दोनों साइड पे पोस्ट मतलब बाद में, तो यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे एक सिंपल सी कि किसी को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराया जाए तो वही सेम आ जाता है, तो ए इनवर्स ही आ गया, और ए इंटू ए इनवर्स आई होता है तो यही आ गया। फिर से किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कराओ तो वही मैट्रिक्स वापस आती है, दैट मीन्स ए इनवर्स क्या आ गई, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी बी आपकी चेंज करने के बाद आई को, वो आपके पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ऐसे ही कॉलम में लगाओ, या तो रो पकड़ोगे या तो कॉलम पकड़ोगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाओगे आप कभी भी, ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो, या तो कॉलम चलाओगे या तो रो चलाओगे। अगर कॉलम चला रहे हो तो बस एक चेंज है, आपने ए इज इक्वल टू आई ए की जगह जो रो में लिख रहे थे इसमें आपको ए इज इक्वल टू ए आई लिखना है, ठीक है, प्लीज़ ये डिफरेंस समझिएगा। अगर कॉलम ऑपरेशन चुन रहे हैं तो ए इज इक्वल टू ए आई लोगे, और अगर रो ऑपरेशन ले रहे हो तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखोगे। फिर वही सेम चीज़ है, आपने ए को कुछ ऐसा कन्वर्ट करा कि वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा, ठीक है। अब कॉलम में क्या चलता था प्रिंसिपल, कि दूसरे वाले में चेंज करोगे तो ये बिल्कुल सेम चलेगा, और आई चेंज होके किसी मैट्रिक्स में बदल गया, मैंने उसको बी से लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर दिखाने के लिए हमेशा आप क्या याद रखोगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाइंग मतलब पहले ए इनवर्स आएगा, तो यहाँ भी ए इनवर्स लिख दिया, इसको भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, बाकी सेम चल रहा है, ए इनवर्स इंटू आई ए इनवर्स इंटू ए आई आई इंटू बी बी, तो दैट मीन्स ए इनवर्स क्या आ जाएगा, बी आ। तो ये सिर्फ दिखाने का लास्ट में तरीका है, मेन हमारा रीज़न है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है बी पे पहुंचना। और बी कैसे आएगा, जब रो है तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखो और ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ किस पे, ए पे और आई पे, और ए को किस में कन्वर्ट कर दो, आई में, जिसमें आई खुद साथ साथ कन्वर्ट होता जाएगा फाइनली वो इनवर्स कहलाएगा। कॉलम के अंदर ए को चेंज करो आई के अंदर, और जहाँ पे ये वाला आई चेंज हो जाएगा लास्ट वाला, ठीक है, वो आपका फाइनल इनवर्स होगा, ठीक है। और इसके बाद एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अभी, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनवर्स निकालने का, ठीक है। इस पे अब वही सेम चीज़ लगाएंगे, ठीक है, और अब आपको सारी चीज़ें जो मैंने सिखाई हैं अभी इन्वर्स निकालने की, वो आपको अब क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सारे ऑपरेटर्स प्लीज़ साथ साथ अपने रजिस्टर में साथ साथ करते जाओगे मेरे क्वेश्चन, तो ही समझ आएगा, सिर्फ देखोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2x2 का, मुझे गिवन मैट्रिक्स है इन्वर्स निकालनी है,
ठीक है, तो मैंने बताया था जब भी इन्वर्स निकालनी है या तो पहले अपने मन में बिठा लो कि या तो आप रो चुन रहे हो ऑपरेशंस या तो कॉलम ऑपरेशन चुन रहे हो, ठीक है। मैं हमेशा सारे ऑपरेशन रो से सिखाऊंगा आपको, आप कॉलम से भी कर सकते हैं, आंसर फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि इन्वर्स तो एक ही आएगा, मैंने बताया था यूनिक होता है, ठीक है। तो मैंने रो ऑपरेशंस चुने, और जब भी रो ऑपरेशन चुनेंगे मैंने आपको क्या बताया था, ए इज इक्वल टू आई ए लिख लो। और अब ऐसे ऑपरेटर्स लगाओ, ऐसे ऑपरेशन लगाओ कि ए जो है मैट्रिक्स वो आपकी आई में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने अभी ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, ए की वैल्यू जो गिवन थी वो डाल दी मैट्रिक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 2x2 का गिवन था, 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली। इस ए की जगह आपने हमेशा ए ही चलाना है, ठीक है। मैं यहाँ तक पहला से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो जाऊँगा इसमें, बार बार आपको बताऊँगा ताकि आपके दिमाग में घुस जाए चीज़ें। जो भी गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना होता है, आपने अगर रो चुना तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखोगे, अगर कॉलम चुना तो ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, ए आई लिखोगे, ठीक है। मैं रो चुन रहा हूँ अभी और रो के हिसाब से कर रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू आई ए लिखा, जो गिवन मैट्रिक्स थी ए वो यहाँ लिख दी, आई लिख दिया आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी, और ये ए एज इट इज चलेगा। अब आपको ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है सच दैट ये आई में बदलना शुरू हो जाए, मतलब आपको इसको 1001 में बदलना है, ठीक है। तो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन में एक ही है कि मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। ये देखिए लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कराना है, ठीक है। तो इसकी जो एक ट्रिक है वो ये है, आप कॉलम वाइज एलिमेंट्स को पकड़ो और जिसमें चेंज कराना है उसमें कराते हुए चलो, और सबसे पहले वन वाले को बदलना है, ठीक है। मतलब मुझे पता है यहाँ पे दिमाग में चलाओ कि इस एलिमेंट को वन बनाना है, तो ये तो वन है, कोई टेंशन नहीं है, बात खत्म हो गई। अब मैंने आपको बोला हमेशा कॉलम वाइज पकड़ते हुए चलो, अब मैं यहाँ पे आया नीचे कॉलम वाइज आया सेकेंड एलिमेंट पे, अब ये टू है बट मुझे पता है एनटी में यहाँ पे क्या आता है, जीरो। तो मुझे कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है कि ये टू जो है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ कि इस टू को जीरो बनाना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब या तो मैं इसी को सीधा किसी से मल्टीप्लाई करा लूँ या इंटरचेंज करा लूँ, ठीक है, या फिर आपस में किन्हीं दो रोज़ को एड सब्ट्रैक्ट करा लूँ, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ लगाना है कि ये भी ना बदले क्योंकि ये वन तो चाहिए था मुझे, और ये टू जीरो बन जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा आर टू चेंजेस टू, मुझे रो टू चेंज करानी है, तो मैंने लिखा आर टू चेंजेस टू वॉट, आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन। मुझे दिख रहा है कि अगर टू में से इसका डबल माइनस करा लूँ तो जीरो बन रहा है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा कि आर टू चेंजेस टू, आर टू चेंजेस टू आर टू माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन, ठीक है। तो आर वन सेम रहा, ठीक है, मैंने बताया था इसमें चेंज होगा और साथ ही साथ इसमें चेंज होगा, ठीक है। तो आर वन दोनों में सेम वापस उतार दिया मैंने, और आर टू कैसे चेंज होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ आर वन। तो आर टू में से ट्वाइस ऑफ आर वन माइनस करा लो, टू माइनस ट्वाइस ऑफ वन जीरो। सिमिलरली यहाँ भी होगी, पूरी रो टू चेंज होगी, माइनस वन माइनस ट्वाइस ऑफ टू, मतलब माइनस वन माइनस फोर मतलब कितना, माइनस फाइव। अब सेम ऑपरेशन यहाँ भी लगेगा आर टू के अंदर, जीरो माइनस ट्वाइस ऑफ वन मतलब जीरो माइनस टू आ गया, वन माइनस ट्वाइस ऑफ जीरो मतलब वन, तो वन ही आ गया। तो मेरा पहला क्लियर हो गया कि मेरे को ये वन बनाना था, वन है, ये जीरो बनाना था, जीरो आ गया, ठीक है। अब इनमें से मैंने बताया आपको पहले वन वाला एलिमेंट पकड़ा करो, किसको वन बनाना है। अब मुझे पता है इस वाले कॉलम में मुझे इसको वन बनाना था, यहाँ पे वन आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखा आपको, यहाँ पे इसको यहाँ पहुँचाना है, तो मैंने वन जीरो पहुँचा लिया, अब इसको वन बनाना है। अब इसको वन बनाने के लिए मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपके दिमाग में आएगा क्यों ना मैं आर वन आर टू में ट्वाइस ऑफ आर वन ऐड कर लूँ, पॉसिबल है ना। अब देखो अगर मैं ये दिमाग लगाऊं कि आर टू में ट्वाइस ऑफ आर वन ऐड करा दूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ में अगर आपको करके दिखाऊं, ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूँ, आप कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि अगर मैं आर टू के अंदर आर टू प्लस ट्वाइस ऑफ आर वन कर दूँ तो भी बात बनती है, लेकिन ये क्यों डिस्कार्ड कर रहा हूँ मैं कि जब मैं आर टू में चेंज कराऊंगा तो ये जीरो भी तो बदल जाएगा, बट मुझे इसको भी नहीं बदलना है, क्यों, मुझे फाइनली तो 1001 लाना है ना, तो इसके अंदर आप कुछ ऐड कराओगे तो ये जीरो से वापस हट जाएगा। आप मुश्किल से एक स्टेप लगा के इसको जीरो बनाया था, इसको वन जीरो वन बनाने के चक्कर में ये जीरो वापस आप खो दोगे। तो कुछ ऐसा करना है कि जो पुराने 1 0 बनाए हैं वो भी ना चेंज हो और जो आपने नए बनाने हैं वो भी होते जाएँ, ठीक है। तो अब इसको वन बनाने के लिए एक सीधा सा स्टेप है कि मैं पूरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो अगर मुझे इसको वन बनाना है तो मैं इसको अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो वन बन जाएगा। तो मैंने यही यहाँ पे करा कि पूरी रो टू को मैंने -1/5 से मल्टीप्लाई करा दिया। याद करो ट्रांसफॉर्मेशन में सेकंड जो
था रूल वो अप्लाई करा मैंने यहाँ पे, अप्लाई आप किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा सकते हो प्रोवाइडेड वो नॉन जीरो कांस्टेंट हो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय -1/5 जीरो ही रहेगा, वन इंटू -5 × -1/5 तो 1 बन गया ये। सेम यहाँ पे भी कर दोगे -2 × -1/5 तो 2/5, 1 × -1/5 -1/5 ठीक है, तो ये भी 1 बन गया। अब क्या रह गया, 1 0 1 बन गया। अब यहाँ पे जीरो बनाना है, अब इसको जीरो बनाने के लिए क्या करूँ कि बाकी कोई चेंज ना हो, तो मैं अगर R1 में से ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करा लूँ तो काम बन जाएगा, यहाँ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें से कुछ भी ये माइनस कराओ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट ऑपरेशन जो मैंने लगाया कि रो 1 में से मैंने ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करा लिया, तो यही लिखा R1 changes to R1 - 2R2। तो 1 - 2 0 1 ही रहा, 2 - 2 1 2 - 2 0 हो गया, R2 पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दो आप, 1 - 2 2/5 तो 1/5 आ जाएगा, 0 - 2 -1/5 तो आपके पास 2/5 आ जाएगा। जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुआ तो मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यही फाइनल आंसर होगा, यही इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यही जो आपका फाइनल आंसर आया यही आ जाएगा। लिखने का तरीका मैंने बताया था, हमेशा आपको पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स लिखना है और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज़ इसको अच्छे से देखिए, अभी ये 2x2 मैट्रिक्स है, ईजी हैं, कम स्टेप्स हैं। जैसे ही 3x3 हो जाएगा थोड़े और स्टेप्स बढ़ जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, और स्टेप्स आ जाएंगे। ये तो आपका फिर भी 3 स्टेप्स में हो गया। तो एक्सरसाइज के अंदर शुरू के काफ़ी सारे क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन जो हैं वो 2x2 मैट्रिक्स पे ही हैं, उसको प्लीज़ ट्राई करिए। एक ही रूल ध्यान में रखिए, रो ऑपरेशन लगाइए, ए इज इक्वल टू आई ए लिखो, और इस गिवन मैट्रिक्स को कुछ ऐसे ऑपरेशन बारी बारी लगाते हुए चलो कि वो वापस किस में बदल जाए, आई में बदल जाए, और जो भी यहाँ लगा रहे हो वो यहाँ लगाते हुए चलो, जो भी लास्ट में आया वही इनवर्स होगा। 2-4 बार ट्राई दीजिए, इसको बार बार देखिए, खुद अपने हाथों से करिए। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद 3x3 मैट्रिक्स और उसका इनवर्स निकालेंगे। बाय।